हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हुए हैं चाइना कब्रिस्तान, जो कि पोचरा में ही है, रामगढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। अभी फ़िलहाल तो ये बंद है, लॉकडाउन से ही ये बंद है। आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ जितना दिखा सकती हूँ। मोस्टली इस जगह के बारे में बहुत किसी को नहीं पता, रामगढ़ वालों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है। चारों तरफ आप मेरे देख सकते हो कैमरा के पीछे, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। तो यहाँ के लोग भी बहुत कम जानते होंगे, और बाहर के तो छोड़ ही दो, रामगढ़ के ही बहुत कम जानते होंगे कि रामगढ़ में चाइना का कब्रिस्तान है, चाइनीज लोगों का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ बातें बता दूँ आप लोगों को। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो चाइनीज लोग आए थे, 1 लाख चाइनीज आर्मी आए थे इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि जापानीज अटैक कर रहे थे। तो उस टाइम 1 लाख चाइनीज आर्मी आए थे। जो लोग शहीद हो गए थे उस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, 19 शहीद चाइनीज लोगों का स्मारक बना हुआ है इसके अंदर, जो अभी तो मैं फिलहाल जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बंद है गेट। तो मैं आपको यहीं से कैमरा जूम करके अंदर का जितना दिखा सकती हूँ मैं दिखा देने की कोशिश कर रही हूँ। इस कब्रिस्तान के अंदर 667 सैनिकों, चाइनीज सैनिकों का स्मारक बना हुआ है। अभी तो फिलहाल हम लोगों का रिलेशन चाइना के साथ उतना अच्छा है नहीं, पर पहले, बहुत पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन होगा, तभी ना चाइना से सैनिक आए थे यहाँ पे, चाइनीज़ आर्मी आए थे इंडिया में इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए। तो उस टाइम शायद रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अभी तो फिलहाल अच्छा है नहीं। यहाँ पे एक शिला लेख है, जो मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो मैं आपको वो शिला लेख दिखाती हूँ। यही है वो शिला लेख, देख सकते हो आप लोग। चाइनीज तो हमें समझ में आएगी नहीं, मैं इंग्लिश और हिंदी वाला सेक्शन दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझे यहाँ अभी आने के बाद एक गांव वाले से पता चला, ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 जनवरी ये सब दिन खुला रहता है, पूरा होल डे, शाम तक खुला रहता है ये। पर अभी लॉकडाउन जब से हुआ 2 साल से ये बंद रहता है। मतलब बोल तो रहे हैं कि शाम को 3 बजे आते हैं, पर कभी आते कभी नहीं आते, तो कंफर्म नहीं है कि ये खुलता है। अभी फ़िलहाल ये बंद है। अभी के टाइम में आप लोगों को अगर अंदर विजिट करना और पूरा कब्रिस्तान अच्छे से घूम के देखना है तो 26 जनवरी या 15 अगस्त या 1 जनवरी ये तीनों दिन आइए, और अंदर आपको घुसने मिलेगा, पूरा अच्छे से घूमिए, फिर आपको पता चलेगा अंदर क्या क्या है। मैं वैसे यहीं से कैमरा अंदर थोड़ा बहुत रोटेट करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि अंदर क्या क्या है। यही है वो गेट, चाइना कब्रिस्तान का ये गेट है। बहुत बड़े एरिया में ही बना हुआ है ये, और पूरा जंगल के बीच में है। बहुत कम लोगों को ही पता होगा इस कब्रिस्तान के बारे में। और ये थोड़ा बहुत आप लोग इधर से ही देख लीजिए, मैं उतना तो दिखा नहीं पाऊंगी। वो जो सामने आप लोग देख रहे हो वो मेन स्तंभ है यहाँ का, चाइनीज में ही उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। और ये जितना है ये सारा कब्र बना हुआ है, स्मारक है, सारे शहीदों का स्मारक है, चाइनीज शहीदों का। जो सामने लोग रहते हैं उन लोगों से पता चला ये कब्रिस्तान और एक दिन भी खुलता है, जब चाइनीज शहीदों के जो रिलेटिव्स आते हैं उन लोगों को फूल ये सब चढ़ाने के लिए, तभी ये खुलता है। तो गार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए ये कब्रिस्तान उस टाइम खोलते हैं, ताकि वो अपना श्रद्धांजलि दे सकें। जितना मैं बता सकती थी इस कब्रिस्तान के बारे में, जितना मैं जानती थी सब कुछ बता दिया, और जितना मैं दिखा सकती थी कैमरा रोटेट करके, थोड़ा बहुत अंदर कैमरा करके सब कुछ दिखाने की कोशिश भी किया मैंने, पर अंदर से तो मैं पूरा नहीं दिखा पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग जब आओ याद रखना 15 अगस्त या 26 जनवरी ये 2 दिन आओ तो ये खुला रहेगा, आप लोग अच्छे से घूम पाओगे। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। ठीक है, बाय बाय।